हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नए वोटर आईडी कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो पूरा प्रोसेस देखने के लिए मैं ले चलता हूं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, और देखते हैं ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे इस वोटर आईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए। गूगल पे आप सर्च करेंगे nvsp.in, ये URL मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके भी इस पेज पे आ सकते हैं। तो आप यहाँ लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, जिसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप क्लिक करेंगे डोंट हैव अकाउंट नंबर और रजिस्टर एज अ न्यू यूजर पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना होता है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ये आप कैप्चा कोड इंटर करेंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे इस तरह से लोडर लोड होगा और देखिए नोटिफिकेशन आ गया है OTP सेंड सक्सेसफुली। तो इस मोबाइल नंबर पे जो भी मैसेज आपको मिला है उसमें एक OTP होगी, वो आपको यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना होगा। तो आपको OTP यहाँ पे इंटर करेंगे जो अभी आपके मोबाइल पे सेंड की गई, और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद नीचे के ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो यहाँ आई डोंट हैव एपिक नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड बनाने के लिए आप देख सकते हैं नीचे आपको बताया गया है कि किस तरह से आपको अपना पासवर्ड बनाना है, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ जो भी पासवर्ड आप बनाएंगे तो आपको वही फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आप यहाँ बनाएंगे उससे लॉगिन करना होगा। उसके बाद वापस से हम लोग आएंगे अब लॉगिन पेज पे। यहाँ पे आने के बाद जो भी आपने पासवर्ड बनाया है या जिस भी नंबर से आपने रजिस्टर्ड करा था अभी, आप वो नंबर यहाँ डालेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है वो यहाँ डालेंगे, और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है आप उसको यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। पहले अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप आएंगे प्रोफाइल पे, माय प्रोफाइल पे, तो देख सकते हैं आपकी यहाँ प्रोफाइल शो हो रही होगी, आपका मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा और ईमेल आईडी शो हो रही होगी। जब एपिक नंबर क्रिएट हो जाता है इस रजिस्ट्रेशन या कह सकते हैं इस लॉगिन के थ्रू, तब यहाँ पे आपका एपिक नंबर भी शो होने लग जाता है। अगर आपको कुछ बदलना है तो आप एडिट प्रोफाइल पे करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पासवर्ड बदलना है तो आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करके अपना पासवर्ड फिर से बदल सकते हैं। तो अब आएंगे हम लोग होम पेज पे और देखेंगे कैसे वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको ऑप्शन ये दिख रहा है फ्रेश इंक्लूजन एंड एनरोलमेंट का, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप सिटीजनशिप इंडिया की है या आउटसाइड इंडिया है, तो आप यहाँ रिसाइड इन इंडिया पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपसे पूछा गया है आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ आपका जो भी स्टेट हो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, जो कि देख सकते हैं कि 7 पार्ट में इसका पूरा फॉर्म फिलअप होगा। तो इसमें कुछ आपको एडिशनल और पर्सनल डिटेल भी लगानी पड़ती है, तो आप एड्रेस वही सेलेक्ट करते हुए आइएगा, स्टेट वही सेलेक्ट करिएगा जो कि आपके पास एड्रेस ऑफ प्रूफ हो, जहाँ पे आप करंटली रिसाइड कर रहे हो या जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स करंटली अभी के बने हुए हों। सबसे पहला पार्ट जो इसका है वो है एड्रेस फिलिंग का, तो यहाँ आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी कई जोन्स में डिवाइड हो, तो आपको चेक करना होगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी या कह सकते हैं कि आप जिस शहर में हैं वो साउथ के हिस्से में आता है या वेस्ट में आता है या ईस्ट में आता है, तभी आपका उसके अंदर से डिस्ट्रिक्ट और बाकी एड्रेस के जो भी मोड आपको सेलेक्ट करने होंगे वो तभी शो करेंगे जब आप अपनी सही कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ जैसे मेरा आता है लखनऊ वेस्ट, मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्टेट ऑटो सेलेक्ट आता है क्योंकि आपने पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट कर ली थी। उसके बाद देखिए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे ही डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना हाउस नंबर फिल करेंगे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी स्ट्रीट डालेंगे, यहाँ ऑटोमेटिकली हिंदी में आ जाएगी, और यहाँ पे टाउन्स लिखेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली, जब जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हिंदी में यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करके हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेफ़र करूँगा आप गूगल इनपुट टूल का यूज़ करिए। मैं उसका URL आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फिर यहाँ पे आप अपना पोस्ट ऑफिस भरिए, उसका सही नाम हिंदी में लिखिए, पिन कोड लिखिए, और उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब इसमें पूछा गया है कि आप जो एड्रेस भरवा रहे हैं उस पते पे कब से रिसाइड कर रहे हैं। अगर आप बाय बर्थ वहाँ रहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए, लेकिन अगर कुछ सालों से रह रहे हैं तो आपको उस ईयर और वो डे और मंथ आपको मेंशन करना होगा। एग्जैक्ट नहीं भी होगा तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप नियर अबाउट ही यहाँ पर फिल करिएगा। उसके बाद एड्रेस प्रूफ आपको फिल करना होगा, तो एड्रेस प्रूफ में मैं आपको बता देता हूँ पहले आप क्या क्या लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं ये ऑप्शन है एड्रेस प्रूफ में, आप इंडियन पासपोर्ट, DL लाइसेंस, किसान पासपोर्ट, करंट पासबुक, राशन कार्ड, इनकम टैक्स, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शन बिल और पोस्ट लेटर मेल डिलीवर्ड थ्रू इंडियन पोस्टल, इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, लेकिन एड्रेस प्रूफ के लिए इसमें आधार नहीं दिया है। तो आप देख लीजिएगा कि बिना आधार के आप कैसे इसको बनवाएंगे और इनमें से कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं लगाने के लिए, जो जिसमें आपका नाम मेंशन हो। और मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो लास्ट ऑप्शन है पोस्ट लेटर मेल डिलीवर्ड थ्रू इंडियन पोस्टल, तो आजकल आप देख ही रहोगे PVC कार्ड जो मंगाए जाते हैं
वो इंडियन पोस्टल स्पीड पोस्ट से ही डिलीवर करे जाते हैं। जिस लिफाफे के अंदर वो पीवीसी कार्ड को डिलीवर करा जाता है, आप उसकी फ़ोटो एज इट इज़ बाहर से ले लेंगे, तो उसको सेलेक्ट, तो आप उसको जेपीजी बना लेंगे और उसको एज अ पोस्ट लेटर मेल डिलीवर्ड थ्रू इंडियन पोस्टल सेलेक्ट करके आप उसको भी यहाँ पे लगा सकते हैं, वो भी मान्य होगा। पीवीसी कैसे ऑर्डर करते हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन यूआरएल में दे दूंगा, तो आप अपना पीवीसी कार्ड भी उससे ऑर्डर कर सकते, वो आपके वोटर आईडी में एज अ एड्रेस प्रूफ में भी काम आ जाएगा। डीएल सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आपकी फैमिली में किसी और का एपिक नंबर है, जैसे फादर मदर या ब्रदर का या किसी जो करीबी है, तो आप उनका एपिक नंबर डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो देखिए इफ़ अप्लीकेबल पूछा गया है, आप इसको ब्लैंक छोड़ दें और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ कंफर्म करी जाएगी। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप वो यहाँ पे डालेंगे, जो कि कैलेंडर के माध्यम से आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना टाउन लिखेंगे, जिस भी टाउन में आप रह रहे हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट है शहर है तो आप उसका नाम लिखेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे एज प्रूफ पूछा गया है, तो एज प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट ऑफ टाइप, देखिए मैं यहाँ पे आधार लेटर इशूड बाय यूआईडी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद है एज डिक्लेरेशन। एज डिक्लेरेशन आपको इस कंडीशन में लगानी होती है, अगर आप जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसकी उम्र प्रेजेंट टाइम पे 21 साल से ज़्यादा है तो उनका एज डिक्लेरेशन लगता है। अब एज डिक्लेरेशन आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आप देख सकते हैं डाउनलोड एज डिक्लेरेशन ये फॉर्म है, आप इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। किस तरह का ये फॉर्म होता है, क्या क्या भरना होता है, मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से फॉर्म होगा एज डिक्लेरेशन का। यहाँ पे आपको जिनका बना रहे हैं आप उनका नाम लिखेंगे, उनके फादर का नेम लिखेंगे, एड्रेस पूरा फिल करेंगे, यहाँ प्लेस डालेंगे, डेट डालेंगे जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं, और उनसे सिग्नेचर करा लेंगे, और यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी है उनकी आप वो फिल करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 MB के अंदर होना चाहिए जो आप डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म करेंगे, उसको फिल करिए पूरा और उसके बाद यहाँ से चूज़ करके उसको अपलोड कर दीजिए। तो जैसा कि मेरा फॉर्म ये था, मैंने सेलेक्ट करा, अपलोड कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी कुछ पर्सनल डिटेल भरनी होगी, तो यहाँ पे आप पहले अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे ये हिंदी में आ जाएगा, अगर गलत होगा तो गूगल टूल बॉक्स का आप इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सरनेम लिखेंगे, यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ फादर सेलेक्ट करेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन किसका बताना चाह रहे हैं, उसके बाद उनका नाम लिखेंगे, उसके बाद उनका सरनेम लिखेंगे। सरनेम लिखने के बाद नीचे आए अपलोड डॉक्यूमेंट। अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनका एक फ़ोटोग्राफ बनाना होगा, जो कि 2 MB के अंदर होना चाहिए। मैं उनका फ़ोटो सेलेक्ट करूंगा, ये फ़ोटो बन गई है। तो आपको भी ये डॉक्यूमेंट्स पहले से बना के रेडी रखने होंगे। उसके बाद विकलांग हैं या कुछ और कमी है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, वरना फिर यहाँ पर आप अदर में अगर कोई बीमारी ऐसी है उनको, तो आप यहाँ अदर क्लिक करके यहाँ मेंशन करना। उसके बाद यहाँ जिनका फिल कर रहे हैं उनकी ईमेल आईडी डाल दीजिए, अगर उनकी ईमेल आईडी नहीं है तो आप अपनी ईमेल आईडी डाल के भी बना सकते हैं। फ़ोन नंबर तो उनका होगा ही, तो आप यहाँ पर जिनके लिए बना रहे हैं आप उनका यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख दीजिए। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ डिक्लेरेशन आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्लेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी किस प्लेस से आप ये बना रहे हैं, और डेट ऑटो फिल्ड आ जाएगी। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये फिनिश हो जाता है। तो एक बार आपको पूरी प्रीव्यू शो होगी यहाँ पे कि किस तरह का आपने फॉर्म क्या क्या भरा है, तो आप देख सकते हैं ये पूरी प्रीव्यू शो हो गई है कि आपने फॉर्म में क्या क्या भरा है। अगर आपको लगता है कुछ गलत है तो आप नीचे ऑप्शन है बैक का, आप वहाँ से जाके बैक भी कर सकते हैं। अगर कुछ गलत है तो आप यहाँ से बैक कर सकते हैं। अगर लगता है सब कुछ सही है तो आप फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ सबमिट मैं करता हूँ, मेरी डिटेल सब सही है, और उसके बाद ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, जिसके बाद आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी। तो ये आपकी रेफरेंस आईडी है। अब आप इसको या तो प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रिंट निकालने के लिए आप डायरेक्टली कंट्रोल पी दबाएंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आपकी ये फाइल में ये आ जाएगा, और या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप इसको किसी कॉपी पे लिख लें, जिससे आप भूले ना कि आपने जिनके लिए बनाया है उसका ट्रैक नंबर क्या है। इससे आपको ट्रैक करना होता है कि उनका वोटर आईडी का प्रोसेस क्या चल रहा है। ट्रैक कहाँ से करते हैं ये भी मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। ट्रैक करने के लिए वापस से आप होम पे आएंगे। पहले मैं इसके स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, कहीं ये हो ना जाए। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसके बाद मैं इसी रेफरेंस नंबर को यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद वापस से आएंगे होम के ऊपर। होम के आने के बाद ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इंटर कर देंगे और ट्रैक स्टेटस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है, सबमिटेड नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल की ओर से एपिक करके, और ये लोगो लगा होगा। इस तरह से मैसेज आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है, जिनका भी मोबाइल आपने इस्तेमाल करा है, उस पर मैसेज आ जाएगा कि अप्लाई किया गया है। 7 से 10 दिन में एक कॉल आती है वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन होने के बाद आप जब सब सही लगता है तो VLO को ट्रांसफ़र करा जाता है। जब VLO को ट्रांसफ़र करा जाता है तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक मैसेज आ जाता है कि आपका वोटर आईडी सक्सेसफुली बन गया है, और आपके VLO जिनका नेम लिख के आ जाता है, मोबाइल नंबर आ जाता है, उनको सेंड कर दिया गया है।
उसके बाद आप 1 से 2 हफ्ते बाद अपने BLO से जाके मिलेंगे, तो वो बता देंगे आपका वोटर आईडी उनके पास अभी आया है या आने में अभी टाइम लगेगा। और ये जो प्रोसेस है वो ये धीरे धीरे ग्रीन होने लग जाता है, लेकिन जैसे ही आप जब मैसेज आता है BLO को आपका वोटर आईडी ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट पोजीशन तक ग्रीन आने लग जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था कैसे आप वोटर आईडी के लिए अप्लाई करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है वोटर आईडी को लेके, तो आप नीचे मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।